नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, पटवारी प्रीवियस पेपर एग्जामिनेशंस, पटवारी पेपर सीरीज। जो पुराने पेपर हैं वो सारे अपलोड किए जाएंगे सॉल्व, तो जरूर ध्यान से देखें, बार बार देखें और याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो अपलोड हो चुका है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और पुराने वीडियोस की लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगी। जरूर देखें, बार बार देखें, प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का। हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है, ये क्या है? मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है, ट्राइबल सेल्फ रूल लॉ इन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन ग्राम पंचायत का सचिव करता है, सेक्रेटरी जो होता है वो करता है इसका संयोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खरगोन जो है वो मिर्च में सबसे ज्यादा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRL निम्न को प्रोत्साहित करती है, किसको प्रोत्साहित करती है? ये करती है स्व रोजगार एवं सूक्ष्म रोजगार। सॉरी, मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि ये पेपर आपका 9 सितंबर का है, लेकिन ये पेपर 9 दिसंबर का है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शिफ्ट वन का है पेपर ये, 9 दिसंबर 2017। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक? तो जो महाराष्ट्र है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, नासिक प्याज के नाम से आती है, आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन है, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? तो वो है 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है, कौन सी अवधि है? 2015-16 से 2019-20 तक का जो समय है वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? तो वो कौन सी थी? इनमें से तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज है, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, इन तीनों में से आंसर है नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो ये है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था, तो वो था 64.57, 64.57 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया, कब किया गया? ये 1976 1976 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। अगला क्वेश्चन, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो ये हाउसिंग को पूर्ण करता है, गृह को पूर्ण करता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो ये भिंड में नहीं है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर में है, भिंड में नहीं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो ये है बड़वानी जिला।
क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो ये है शरबती गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वन मिशन खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2016 में, 2016 रूरवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो ये करती है इफको टोकियो, जो है ये पॉलिसी बीमा जारी करती है। अब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पोर्शन कंप्यूटर का है, जो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, 3-4 मिनट के अंतर्गत 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। वेब ब्राउजर कुकीज क्या है? यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है, इसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा रहता है जो कंटेंट करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं, AVI फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो जाता है। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्सट या स्थितियों का नाम निरूपण खालिस्तान कहलाता है, ये कहलाता है बुकमार्क। बुकमार्क कर लो तो आपको एक्सेस करने में बहुत आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में से किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं? तो आपके द्वारा भेजे गए मेल आउटलुक में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस https://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? ये है कॉमर्शियल, वाणिज्यिक के लिए होता है। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका भाग है। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो हम अटैच करते हैं। एमएस वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो वो है फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में रीडू के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? रीडू के लिए आपका ये है आइकॉन, ये इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है? तो F1, F1 आपको किसी भी विंडो में आप यूज करेंगे तो आपका हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगला है, विषम इन सब में से ऑड देखना है, सब अलग में से, जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, लाइनेक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये डिफरेंट हुआ इनसे। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल खालिस्तान कहलाता है? तो ये है इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है, डिवाइस है? तो ये है इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है? तो वो है नेटवर्क, वेरी फास्ट कंप्यूटर एक खालिस्तान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बेसिक क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही तरीका है? ऑल्ट कुंजी दबाना, ऑल्ट से हो जाता है। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? सेल, जब ऐसा हो ये, तो ये क्या हो गया आपका, ये सेल होता है ये। अगला क्वेश्चन, जीबी का विस्तृत रूप क्या है, गीगाबाइट। एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को एक अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है? आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं होम टैब में रैप टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद। तो ये हुआ कंप्लीट, सभी लोग ध्यान से देखें, जरूर मुझे सपोर्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्ते।